आपको इनाम दिया जा रहा है पलटू राम का। मैं कहाँ कब पलट गया भाई, मैं कब पलट गया, मैं तो अपना काम पहले भी करता था, अभी भी अपना काम कर रहा हूँ। भाई मनीष कश्यप की इस बात से मैं बिल्कुल इत्तफाक रखता हूँ, क्योंकि वो बंदा कल भी अपने लिए काम करता था और आज भी अपने लिए ही काम कर रहा है। भले ही लोगों को लगता था कि वो लोगों के लिए आवाज उठा रहा है, वरना एक्चुअल मानों में तो वो अपने लिए रास्ता बना रहा था। और अब जैसे ही बीजेपी में शामिल हो गया, बीजेपी के दूसरे नेताओं की तरह इस बंदे का भी गजनी मोड ऑन हो चुका है और अपने की वो बोले बातों को आज से भूल चुका है, जैसे कि उन सब चीजों से दूर दूर तक कभी इसका कोई वास्ता ही नहीं रहा हो। मैं नहीं मानता। और इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है, आइए जरा देख लेते हैं। बिहार में IIT बना है, एम्स बना है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तब तो मनीष जी वहाँ पर सुविधाएं बहुत अच्छी होंगी। ये EMS में एडमिट नहीं होगा, एम्स में डॉक्टर नहीं है और PMCH में डॉक्टर है तो इलाज नहीं होगा। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। बस इतना ही में, अरे साहब जब इस बंदे का और भी नमूनापन देखने को बाकी बचा है। नेहा सिंह राठौर, कौन सी नेहा सिंह राठौर की बात कर रहे हैं? मैं नहीं जानता किसी नेहा महाराज कैसी बात कर रहे हैं, आप पत्रकार रहे हैं नेहा सिंह राठौर लोक गायिका जो कि अब काबा कहाँ की। अरे पत्रकार महोदय जी झूठो मूठो में आप अपना BP कहाँ हाई करा रहे हैं? जब से ये बंदा BJP में शामिल हुआ है ना, इसका आत्मा मर चुका है और सिर्फ शरीर भटक रहा है। अब भटकती हुई शरीर से आप पूछो सवाल पूछोगे तो कहाँ से बता पाएगा, आत्मा से पूछिए ना। बोल बोल। नेहा सिंह राठौर आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, उनको जो है UP पुलिस ने FIR नहीं किया था, उनके ऊपर सिर्फ नोटिस दिया था। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अरे भाई इतना ही मैं चौंक गए। अभी तो आपको हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का भी स्टैंड अप देखने को बाकी बचा है कि उन्होंने किस कदर उत्तर प्रदेश से तमाम बदमाशों को खत्म कर दिया है, जिस वजह से वहाँ की महिला रात के 12 बजे भी गहने लाद कर घूम सकती है और किसी की मजाल नहीं कि उनके तरफ आंख उठा के देख ले। अच्छा हमको सिखा दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर गहने लाद कर रात को 12 बजे भी सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर गया सफेद कपड़ा। ओ ओ अरे सर जी आप इतना टेंशन काहे ले रहे हैं, आप तो रात के 12 बजे का वादा किए थे ना, और ये दिन है। और ये भी तो हो सकता है कि वो बंदा उस महिला का नेकलेस इसलिए भी ले गया होगा ताकि वो उसको दोबारा से न्यू डिजाइन बनवा के ला के दे दे। अच्छा खैर इन सब चीजों को छोड़िए, क्योंकि अभी सोशल मीडिया में मीडिया इंडस्ट्री के सबसे लॉयल और निष्पक्ष पत्रकार मिस्टर गुल्लू जी का मोदी जी से इंटरव्यू ले रहा है एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल चल रहा है। एक आपका बयान था कि कांग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो ये राम मंदिर का फैसला पलट देगी। ये मेरा बयान नहीं है। अरे झूठ बोल रहा है। आपने बोला इस पे। ये मेरा बयान नहीं, मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान मत डालिए। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? जीरो शर्म। वैसे तो ये सब चीजें चलती रहेंगी, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या BJP वालों को अपना गजनी मोड का इलाज करवाना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।